और सब दोस्तों के साथ आप लोग अच्छे हो गए। आज हम सॉल्व करने वाले आइंस्टाइन पैराडॉक्स। उसमें क्या होता है, जो चार रोज होते हैं और चार रो में आठ सब्जेक्ट होते हैं, फिर हम उसमें एक सब्जेक्ट और बढ़ाते हैं, दो तीन सब्जेक्ट और बढ़ाते हैं, फिर भी उसमें क्या होता है, जो जो इसकी पहले वाली जो काउंटिंग थी इसका रीजन और ये कैसे करना, ये इस वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना, ऐसे आप कौन सा भी रीजन दिया, आप कौन सा भी ले सकते हैं। तो ये जो ओनियन है ये हम इधर रखते हैं। इधर रखने के बाद क्या करना होता है हमको, जो इस लाइन के आखिरी जो इसका मतलब कॉर्नर है इसके इस लाइन के, इसमें से एक इधर डालना होता है। फिर आप उसमें का भी इधर डाल सकते हैं, मैंने इधर का डाला। तो अब हम काउंटिंग करेंगे, फिर भी ये एट ही रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो गाइस, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो ओनियन है ये मैं इसमें करता हूँ। इसमें करने के बाद ये दो कॉर्नर है, इसमें से मैं एक इधर डाल सकता हूँ, नहीं तो ये इधर डाल सकता हूँ। तो फिर मैं ये वाला इधर डालता हूँ। तो अब भी आप काउंटिंग करने फिर भी एट ही रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस आपने देखा आपके नजरों के सामने, तो ये क्या होता है, ये कॉर्नर में इधर रख दिया, तो उसमें इसकी सिमिलरिटी जो है वो जैसी थी वैसी रहती है। इसका कारण तो आपने जान लिया। और एक भी आप अगर इसमें से मिस्टेक